हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली स्टाइल गोलगप्पे का पानी। तो गोलगप्पे का पानी गोलगप्पों में मेन होता है। अगर पानी अच्छा नहीं है तो गोलगप्पे फीके लगते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली स्टाइल पानी की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, और मज़े की बात यह है कि हमने इसे घर के मसालों से बनाया है। तो बिना पानी पूरी मसाला के आज हम बनाना सीखेंगे दिल्ली स्टाइल गोलगप्पे का चटकारेदार पानी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। दिल्ली स्टाइल गोलगप्पे का पानी बनाना बहुत आसान है, बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनानी हूँ 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी के लिए कितना सामान हमें लेना है ये मैंने ऊपर में मेंशन किया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे 100 ग्राम हरा धनिया, तो फ्रेश हमें हरा धनिया लेना है। और 25 ग्राम ले लेंगे पुदीना। तो हरा धनिया 100 ग्राम है, 25 ग्राम पुदीना है, क्वांटिटी ऐसे ही लें। अगर आप पुदीने की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो आपका पानी कड़वा बन जाएगा, इसलिए पुदीने की क्वांटिटी कम लेनी है। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, 2-3 हरी मिर्ची ली है, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा है, 2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें चीनी, 1 टीस्पून काला नमक है, और 2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें चाट मसाला, और नॉर्मल नमक ले लेंगे एज पर टेस्ट। तो सारी चीजें ले लें आप, इसमें कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। अभी हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी डालनी हैं। अदरक को टुकड़ों में कट करके डालें, इजीली पिस जाएगा। अगर आप साबुत डाल देंगे तो पिसेगा नहीं। और धनिया पुदीने को भी थोड़ा सा काट कर डालें। जब आप ये पानी बनाएंगे खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पानी कितना टेस्टी है। इस पानी में हमने पानी पूरी मसाला का यूज़ नहीं किया है, घर के मसालों से हम इसे तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद 1/2 कप पानी ऐड कीजिए और चटनी की तरह पीस लीजिए इसे। इसमें हमें किसी भी तरह का चंक्स नहीं चाहिए, तो एकदम स्मूदी से पीस लें। तो ये देखिए यहाँ पर चटनी पीसकर तैयार हो गई है। बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको पीसना है। पीसने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है जो कि आप अभी देख रहे हैं। आप किसी बड़े से बर्तन पर एक छलनी रख दीजिए। अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आटा छानने वाली छलनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये प्रोसेस करना कंपलसरी है जो कि आप देख रहे हैं अभी। गोलगप्पे का पानी अगर आप छान कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें आपको पुदीने हरे धनिया के रेशे फील होंगे जो कि पानी में अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसे छानना कंपलसरी होता है। तो जब आप पानी छान रहे हैं तब जो भी ये ऊपर ड्राई ड्राई मिक्सचर बचता है ना, इसमें नॉर्मल पानी ऐड कीजिए बिल्कुल इस तरीके से। तो ये प्रोसेस आपको 2-3 बार करना है, नॉर्मल पानी इसमें 2-3 बार डालना है। और फिर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी, जो कि हमारे पानी को खट्टा कर देगी। बाजार में बिल्कुल इसी तरीके से गोलगप्पे का पानी बनाया जाता है, एकदम खट्टा पानी होता है ना, तो वैसे ही बनता है। बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदी, और बूंदी ऐड करने के बाद इस पानी को 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसके बाद सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी पानी बनकर तैयार होता है। अच्छे से मिक्स कीजिए, जब भी आप इसे सर्व कर रहे हैं ना, सर्व करने से पहले अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मसाला कई बार नीचे बैठ जाता है, तो अच्छे से मिक्स करें पहले इसे। और ये देखिए पानी बनकर हो गया तैयार। बस आप इसे सर्व करने से पहले फ्रिज में जरूर रखें, और जब भी सर्व करें इसको अच्छे से मिक्स करें, और देखिए सूजी के गोलगप्पों के साथ पानी कितना बढ़िया लग रहा है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो देखा आपने, हमने बिना पानी पूरी मसाला के कितने आराम से गोलगप्पे का पानी बनाकर तैयार कर लिया है। तो पानी बनाइए, खाइए, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये गोलगप्पे के पानी की रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है ना, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इस तरह के अमेजिंग एंड क्विक रेसिपीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।